कुमार महाजन, ये चीज तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। एंड फाइनली समांतर सीजन 2 हो चुका है रिलीज। टोटल 10 एपिसोड है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 18 मिनट से लेके 31 मिनट्स के बीच में ही है। और जिन लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा तो भाई जाओ देखो, एकदम फोकट में देखने को मिलता है। और ये मल्टीपल लैंग्वेज में, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, देखो MX प्लेयर पर जाके खुद ब खुद पता चल जाएगा। फिर सीजन 1 जहाँ पर ख़त्म हुआ था, यानी कि कुमार महाजन को पता चल गया था कि उसकी लाइफ में एक लेडी आने वाली है। अभी कैसा पता चला था कि जैसे कि आपको पता है कि चक्रपाणी ने उसको डायरीज दी थी, तो उस डायरीज में चक्रपाणी की लाइफ में क्या कुछ चीज़ें हुई थी वो लिखा था। क्योंकि जो चक्रपाणी का भूतकाल है वही कुमार महाजन का वर्तमान और भविष्यकाल होने वाला था। और लेकिन इसमें चक्रपाणी ने एक शर्त रखी थी कि वो सारी की सारी किताब एक साथ नहीं पढ़ सकता, यानी कि वो सिर्फ कल क्या होने वाला उसका आज रात को ही पता लगा सकता है। तो ऐसे में उसको पता चला था कि उसकी लाइफ में एक लेडी आने वाली है। अब उसके बाद, उस लेडी के आने के बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा समांतर सीजन 2। खैर, अब मेरे माइक में कुछ दिक्कत आ गई तो इसलिए मुझे दूसरे माइक से शूट करना पड़ा। आई होप आप लोग ये वीडियो को फिर भी देखोगे। खैर, ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे शो की, तो जब ये सीजन 1 रिलीज़ हुआ था तो यार किसी को भी पता नहीं था कि इस तरह का शो रिलीज़ हुआ। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये मराठी इंडस्ट्री की तरफ से आया था और मराठी इंडस्ट्री को हम लोग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते आज की तारीख में भी। लेकिन वो लोग कुछ ऐसे ऐसे मास्टरपीस बना रहे जिसके बारे में हमको पता तक नहीं है। और सीरियसली, ये शो वन ऑफ दी बेस्ट शोज में से एक था 2020 का। लेकिन अगर 2021 की बात करें तो यार ये फिर से एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ है मेरे लिए तो, एटलीस्ट आप लोगों के लिए, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। और एज अ महाराष्ट्रियन आई एम प्राउड कि यार हमारे मराठी इंडस्ट्री में भी इस तरह के जेम्स है जो मतलब ऐसे ऐसे शोज बनाने की ताकत रखते हैं जो पूरे इंडिया के ऑडियंस को हिला कर रखते हैं। और इंडिया क्या मतलब बोलता, वर्ल्ड में भी जो जितने भी वेब सीरीज बनती है वो लोग भी अच्छा खासा सीखेंगे यार इस तरीके के शोज इंडिया में भी बन रहा है। यार मजा आ गया। फिर मैं अगर कैरेक्टराइजेशन की बात करेंगे तो चीजों को और भी अच्छी तरह से बताने, कैरेक्टर्स को और भी अच्छी तरह से डेवलप किया, और जो सिचुएशन है उनके इर्द गिर्द उसको और भी अच्छी तरह से क्रिएट किया। काफी डिटेलिंग में हमें हर एक चीज बताने की कोशिश की, जो कि अगेन क्लास चीज है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, सीजन 1 और सीजन 2 दोनों में काफ़ी आपको अंधेरे की सीन्स देखने को मिलेगी, लेकिन उन सारे सीन्स को अच्छी तरह से शूट किया है। लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी आता है कि उन सारी सीन्स में कुछ ऐसे सीन्स भी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा, मतलब चीज़ें क्या चल रही वो ठीक तरह से हमें समझ में नहीं आता, तो इस चीज़ को वो लोग ठीक कर सकते थे, जो कि नहीं किया है। शो का BGM अच्छा लगा, शो के हिसाब से एकदम परफेक्ट BGM है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई स्वप्निल जोशी ने जो काम किया भाई मैं मान गया, ये उन मराठी कलाकार में से एक है जो कॉमेडी के साथ साथ सीरियस रोल भी बहुत अच्छी तरह से निभा सकते, और इस शो में उन्होंने वही करके दिखाया। उसके अलावा नितिन भरद्वाज, आई थिंक जिन्होंने यहाँ पर चक्रपाणी का रोल प्ले किया है, उनका भी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा जितने भी जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निभाया है। उसके अलावा शो की राइटिंग बहुत अच्छी है, यानी कि इस तरह का शो को लिखना, हालांकि शो एक बुक से इंस्पायर है लेकिन बुक में होना और उसको स्क्रीन प्ले पे उतारना वो बहुत ही अलग बात है, और ये शो उस चीज़ में कामयाब होता है, तो इसलिए राइटर की तारीफ़ करनी पड़ेगी। शो का डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा शो में आपको गजब के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये शो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी आपको किसिंग सीन देखने को मिलेगी, काफ़ी बैड वर्ड सुनने को मिलेगा। और ऑब्वियसली ये शो में अगर आप लोग देखोगे तो 16+ लिख कर आता है, लेकिन ये 18 से हम मतलब बोलता है एडल्ट लोग के लिए बनाया गया शो है, क्योंकि कुमार महाजन एक ऐसा कैरेक्टर है जो गालियाँ ऐसे देता है जैसे कि वो किसी की तारीफ़ कर रहा हो, तो उस कैरेक्टर से हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये शो स्ट्रिक्टली आप घर वालों के साथ बैठ के मत देखना, लेकिन इतना है कि इसको मिस मत करना, काफ़ी माइंड ब्लोइंग शो है, मज़ा आ जाता है यार। मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 9/10, 10/10 दे देता था। लेकिन हाँ, अगर मेकर्स इसका प्रॉमिस करते कि भाई इसका सीजन 3 डेफिनेटली बनाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से तो आने वाला है, अब उसमें क्या कुछ चीज़ें होगी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतनी भी न्यूज़ मिल जाए सीजन 3 वो लोग बनाएंगे, रिन्यू करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आई थिंक सीजन 3 को मैं 10/10 ज़रूर दूंगा। तो यार ये तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था। अब आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर शो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल बहुत सारी पिक्चर रिलीज़ हो रही तो उसका रिव्यू करेंगे। मिलते हैं कल यार, बाय बाय बाय, सो जाओ।